आज की रेसिपी आप सबकी फेवरेट मेदू वड़ा, वही वड़ा जो हम सांबर और चटनियों के साथ एंजॉय करते हैं। लेकिन जानते हैं क्या होता है, अक्सर वो रेस्टोरेंट जैसे वड़े घर पर नहीं बन पाते हैं। कभी तो पता चला बैटर पतला हो गया तो वड़े राउंड नहीं हुए, राउंड हो गए तो क्रिस्प नहीं बने, अगर बाहर से क्रिस्प हो गए तो अंदर से सॉफ्ट नहीं बने। तो इन सारी प्रॉब्लम का सलूशन लेकर आई हूं मैं आज आपके लिए अपनी परफेक्ट मेदू वड़ा की रेसिपी के साथ, और इसके साथ है तीन खास टिप्स, और हाँ साथ ही साथ में दो चटनियां भी जो इन वड़ों के साथ बिल्कुल परफेक्ट कॉम्बिनेशन बनाती हैं। तो चलिए आज बनाते हैं मेदू वड़ा और उसके साथ एक कोकोनट चटनी और एक वो लाल तीखी वाली टमेटो अनियन चटनी। तो सबसे पहले जान लेते हैं हमारी आज की रेसिपी के इंग्रेडिएंट्स। तो मेदू वड़ा बनाने के लिए हमें चाहिए होती है सफेद उड़द की दाल, यानी कि धुली हुई उड़द की दाल। उड़द की दाल को 4 घंटे के लिए आपको पहले सोक करके रखना होता है। 4 घंटे से ज़्यादा इसे सोक मत कीजिएगा, ओवरनाइट तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि अगर आपने इसे ओवरनाइट सोक किया ना तो इसमें फर्मेंटेशन हो जाएगी, और अगर आपने 4 घंटे से ज़्यादा इसे सोक किया तो जानते हैं क्या होगा, वड़े जो है ज़्यादा तेल अब्जॉर्ब करेंगे और क्रिस्प बिल्कुल नहीं बनेंगे। लेकिन मैंने तो आपसे कहा था ना कि दाल को तो आज हम सोक ही नहीं करेंगे, तो क्या करने वाले हैं, हम इस दाल को पीस करके पहले इसका एक पाउडर बना लेंगे। इसके 2 फायदे होंगे, क्या होंगे चलिए वो भी बताती हूँ। पहले यहाँ 1 कटोरी दाल निकाल ली जाए। तो उड़द की दाल का पिसा हुआ पाउडर या आटा भी आता है मार्केट में, आप चाहें तो उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं, नहीं तो इसे घर पर भी पीस सकते हैं। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट आई एम गोइंग टू डू, मैं इसे पीस लूंगी। दाल को पीस करके मैंने इसका एक फाइन पाउडर बना लिया है। अब क्या किया जाए, अब इसमें ऐड करते हैं थोड़ा सा पानी। तो थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें पानी ऐड करेंगे और इसका एक स्मूथ सा बैटर प्रिपेयर कर लेंगे। थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करेंगे, ज़्यादा इकट्ठा नहीं ऐड करेंगे, और दाल है ना धीरे धीरे करके ये सारा पानी अब्जॉर्ब कर लेगी। पहले इसका एक स्मूथ बैटर बना लेते हैं और फिर इसको हम 10 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे। आपसे कहा था ना दाल को पीस लेने के 2 फायदे हैं, एक तो ये कि हमको इसको 4 घंटे के लिए सोक नहीं करना पड़ेगा, 10-15 मिनट में ये काम आसानी से हो जाएगा, और फायदा नंबर 2, पानी की मात्रा हमारे बैटर में कितनी जाएगी हम उसको सेट कर सकते हैं, इसकी कंसिस्टेंसी अब हमारे हाथ में है। गीली दाल यानी कि सोक की हुई दाल को पीसने में पानी की क्वांटिटी कभी कभी ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से बैटर जो है वो रनी हो जाता है, और अगर बैटर रनी हो जाएगा तो परफेक्ट राउंड वड़े कहाँ से बनेंगे। तो चलिए अब ये तो हो गई हमारी टिप नंबर 1, यानी कि अगर आप दाल को पीस करके तब उसे सोक करेंगे ना, देखिए आपका काम कितना आसान हो जाएगा और वड़े भी परफेक्ट राउंड निकलेंगे। तो जब तक हमारी दाल सोक होती है ना तब तक कुछ वेजिटेबल्स की कटिंग चॉपिंग कर ली जाए। कहा था ना एक चटनी बनेगी प्याज और टमाटर की, तो उसके लिए अनियन और टमेटोज को चॉप कर लेते हैं। मैंने मोटा मोटा स्लाइस कर ले रही हूँ। अनियन डन, नाउ लेट्स चॉप दी टमेटोज। टमेटोज ऑल्सो डन, अब थोड़ी ग्रीन चिलीज को फाइन चॉप कर लेते हैं। तो ये ग्रीन चिलीज हटा के अब यहाँ पर अदरक को भी फाइन चॉप कर लिया जाए। अब ये बैटर एक बार चेक कर लें, आप नोटिस करेंगे कि दाल ने सारा का सारा पानी सो कर लिया है। इसे फिर एक बार हम अच्छे से मिक्स करेंगे। अब ये देखिए ऐसा बैटर चाहिए हमको ड्रॉपिंग कंसिस्टेंसी का, जो बड़े बड़े ड्रॉप्स में नीचे गिरे, हमको फ्लोइंग कंसिस्टेंसी का बैटर नहीं चाहिए। अब इसमें एक चीज़ और ऐड करेंगे टू मेक द वड़ाज एक्स्ट्रा क्रिस्पी, और यह है आपकी टिप नंबर 2। उड़द दाल के साथ अगर आप इसमें ऐड करते हैं थोड़ा सा चावल का आटा, तो देखिए वड़ास कितने क्रिस्प बनते हैं। तो आई एम एडिंग 2 टेबलस्पून ऑफ राइस फ्लावर यानी कि चावल का आटा, 1 एंड 2। इसी के साथ ऐड करूंगी इसमें ये फाइन चॉप की हुई ग्रीन चिलीज, फाइन चॉप किया हुआ अदरक, थोड़ी सी ऐड करेंगे इसमें हींग, सॉल्ट टू टेस्ट, और थोड़ी सी करी लीव्स, लेकिन इन करी लीव्स को थोड़ा सा चॉप कर लेंगे, यानी कि होल करी लीव्स इसमें ऐड नहीं करेंगे। अब इस बैटर को बहुत अच्छे से फेटेंगे, इतना फेटेंगे कि एकदम लाइट और फ्लफी हो जाए, और उसे कैसे टेस्ट करना है ये भी आपको सिखाऊंगी। तो जब तक मैं अपना बैटर फेटती हूँ ना, यहाँ पर कढ़ाई भी चढ़ा देती हूँ तेल गरम करने के लिए, टू फ्राई माय वड़ास।
तकरीबन 2 इंच तेल हमको अपनी कढ़ाई में चाहिए होगा। तो देखिए अब ये बैटर कितना लाइट हो गया है, पिछले 5 मिनट से मैं इसे फेंट रही हूँ। अब कैसे चेक किया जाए कि हमारा बैटर रेडी है कि नहीं रेडी? बहुत सिंपल सा तरीका है, एक कटोरी में लीजिए पानी और उसमें अब डालते हैं 1 ड्रॉप बैटर। अगर तो ये ऊपर ऐसे फ्लोट करता है इसका मतलब बैटर रेडी है, और अगर सिंक कर जाता है मतलब अभी हमें इसे और फेंटना पड़ेगा। तो बैटर डन, परफेक्ट राउंड वड़े कैसे बनाए जाएं? और यकीन मानिए ये ट्रिक देखने के बाद आप कहेंगे ओफो ये मुझे पहले क्यों नहीं पता था। तो इस नुस्खे के लिए, इस टिप के लिए चाहिए होगी हमें एक छोटी सी कटोरी और चाहिए होगा एक साफ रुमाल जिसे मैंने गीला कर लिया है। अब रुमाल को आप ऐसे कटोरी पे चढ़ा लीजिए और टाइट कर लीजिए ऐसे, ठीक है। अब रुमाल को करते हैं हम पानी के साथ गीला। अब लीजिए इसके ऊपर 1 टेबलस्पून बैटर, जितना बड़ा वड़ा आप बनाना चाहें उतना बैटर। अब अपने हाथ गीले कीजिए और इसे शेप कर लीजिए। गीले हाथों से ही इसके बीच में एक होल कीजिए लाइक दिस, और अब इसे गरम तेल में हम पलट देंगे। तो सारे वड़े हमने फ्राई करने के लिए डाल दिए हैं, अब इन्हें गोल्डन होने तक तल लेंगे, और जब अंडर साइड से गोल्डन हो जाएंगे फ्लिप करेंगे और दूसरी साइड से भी गोल्डन कर लेंगे। तो जब तक मेरे वड़े फ्राई होते हैं आप मुझे ये बताइए कि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब किया है कि नहीं किया। भाई नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, तभी तो इतनी बेहतरीन सी रेसिपीज, ढेर सारे टिप्स और नुस्खे आपके साथ शेयर कर पाऊंगी। और याद है ना, अगर आप ये बेल आइकन दबाते हैं तो मेरी हर नई रेसिपी का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगा तुरंत। इनमें लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आज का ये टिप्स और मेदू वड़े की रेसिपी कैसी लगी। तो वड़े डन, देखिए कितने बढ़िया गोल्डन मैंने इनको क्रिस्प तल लिया है। मेदू वड़ा डन, अब उसके साथ की 2 चटनियों की बारी। तो पहली चटनी टमाटर प्याज की चटनी। अपने पैन में हम लेंगे पहले 2 टेबलस्पून तेल। तेल जब गर्म हो जाएगा तो ऐड करेंगे इसमें एक तड़का 2 दालों का, और ये 2 दालें हैं उड़द की दाल और चना की दाल। तो पहले ऐड करूंगी इसमें 1 टीस्पून चने की दाल और इसके साथ 1 टीस्पून उड़द की दाल भी। दालों को तड़क जाने देंगे और इनको पहले स्टर कर लेंगे। दालें जब गोल्डन होने लग जाएंगी तब ऐड करेंगे इसमें 2 से 3 खड़ी लाल मिर्च, तोड़ करके मैं ऐड कर दूंगी। इसी के साथ ऐड करूंगी इसमें 1 टीस्पून सरसों यानी कि राई, इन्हें भी स्टर कर देंगे। अब ऐड करूंगी इसमें 1/2 कप कटा हुआ प्याज, और प्याज को पहले सौते कर लेंगे जब तक कि वो ट्रांसलूसेंट पिंक नहीं हो जाता। एट दिस स्टेज ऐड करूंगी मैं इसमें थोड़ा सा सॉल्ट, और सॉल्ट के साथ इसे 2 से 3 मिनट के लिए पका लूंगी। ऐसा करने से ये प्याज जल्दी पक जाएगा। अनियन जब ऐसे गुलाबी होने लग जाएगा ना तब ऐड करेंगे हम इसमें चॉप किए हुए टमेटोज, और ऐड करूंगी थोड़ा सा हल्दी पाउडर, ज़्यादा नहीं, और थोड़ा रेड चिली पाउडर भी। टमेटोज भी जब थोड़े सॉफ्ट हो जाएंगे, पल्पी हो जाएंगे ना, गैस को मैं कर दूंगी बंद, इसे कम्प्लीटली कूल डाउन कर लूंगी और फिर इसे पीस करके इसकी एक चटनी बना लूंगी। तो अब ये प्याज टमाटर सब हो चुका है ठंडा, इसे पीस करके इसकी चटनी बना ली जाए। इसे मिक्सी के जार में निकाल लेते हैं। ऐड करूंगी इसमें तकरीबन 2 टेबलस्पून पानी और फिर इसे पीस लूंगी। तो ये तैयार हो गई हमारी चटनी, इसे निकाल लिया जाए। चटनी नंबर 1 डन, और चटनी नंबर 2 बनेगी ऑफकोर्स कोकोनट चटनी, जिसके लिए मुझे चाहिए होगा ताज़ा नारियल। अब आप इस ताज़े नारियल को चाहें तो बारीक बारीक काट लीजिए, नहीं तो ग्रेटर की हेल्प से ग्रेट करके भी रख सकते हैं। ऐसा करने से इसे पीसना थोड़ा आसान हो जाएगा, दैट्स ऑल। तो नारियल को मैंने ऐसे टुकड़ों में कट करके रख लिया है। इस नारियल के साथ अब मैं ऐड करूंगी, जानते हैं क्या मैं ऐड करूंगी? इसमें भुना हुआ चना। चना ऐड करने से जानते क्या होगा? हमारी जो चटनी है ना वो कर्डल नहीं होगी, यानी कि फटेगी नहीं, स्मूथ बनी रहेगी। एंड अगर आपके पास ये रोस्टेड चना ना हो तो आप चने की दाल को भी रोस्ट करके गोल्डन अच्छा सा बढ़िया सा वो ऐड कर सकते हैं, फॉर द सेम रीज़न एंड ऑफकोर्स गुड टेस्ट एज वेल। अब इसमें ऐड करूंगी मैं हरी मिर्च, 2 से 3 हरी मिर्च जितनी आपको अच्छी लगें, जितनी तीखी हरी मिर्च हो उस हिसाब से आप इसमें हरी मिर्च ऐड कर दीजिए। और ऐड करूंगी 1 टेबलस्पून
कटी हुई अदरक भी। अब इसमें ऐड करते हैं थोड़ा पानी, अबाउट हाफ अ कप, और नमक, एंड लेट्स ग्राइंड अ फाइन चटनी विद दिस। तो ये नारियल की चटनी भी रेडी हो गई। अभी पूरी तरह से रेडी नहीं हुई है, क्योंकि अभी इन चटनियों पे हमें देना होगा एक फाइनल तड़का। पैन में लेंगे थोड़ा सा ऑयल, और ऑयल को हो जाने देंगे अच्छे से गरम। गरम तेल में ही तड़के का मजा आता है, तभी तो सारे स्पाइसेस इसमें अपना फ्लेवर अच्छे से लेट आउट करते हैं, जानते हैं ना। तेल जब हो जाएगा अच्छे से गरम, तब ऐड करेंगे फिर से एक बार इसमें क्या, अपनी दालें फॉर द तड़का, बिकॉज ये दालें देती है इसे एक बहुत ही बढ़िया सा नटी सा फ्लेवर। तो पहले चने की दाल, 1 टीस्पून उड़द की दाल, इन्हें हल्का सा कलर आ जाने देते हैं, गोल्डन होने देते हैं। अब ऐड करेंगे इसमें 1 चम्मच सरसों के सीड्स यानी कि राई, और ऐड करूंगी इसमें थोड़ा कड़ी पत्ता, 2 से 3 खड़ी लाल मिर्च तोड़ के। गिव दीज अ गुड स्टर, और हमारा तड़का हो गया रेडी। अब इस तड़के को पोर कर देंगे हम अपनी दोनों चटनीज के ऊपर। और हाँ, आपको एक वड़ा तोड़ के दिखाती हूँ कि अंदर से ये कितने सॉफ्ट और स्पॉन्जी हैं। तो ये देखिए बाहर से कितने क्रिस्प, देखिए इसका टेक्सचर, लुक एट द टेक्सचर इनसाइड, सो सॉफ्ट सो स्पॉन्जी। तो दोनों चटनियाँ भी बन गई, और साथ ही साथ बन गए हैं हमारे मेदू वड़ा भी। निकालते हैं इसे एक बढ़िया सी प्लेट में और लेते हैं मज़ा क्रिस्प कुरकुरे मेदू वड़ा का, और उसके साथ साथ ये चटनियाँ भी।